नूर महल हेरिटेज मोटरिंग क्लब के साथ मिलकर एक बार फिर से लेकर आया है विंटेज कार रैली। जी हाँ, करनाल शहर में विंटेज रैली निकाली जा रही है। ये सभी कार जो हैं बॉम्बे जैसे शहरों में सड़क पर चलती नजर आती हैं, लेकिन हमारे शहर करनाल में भी इस तरीके की विंटेज कार आज नूर महल एक रैली लेकर आया है, जिसमें आप तस्वीरों में देख सकते हैं जिन कार्स को अक्सर हम मूवीज में देखते हैं, और अगर ये करनाल जैसे शहर में रोड पर चलती आए तो हर किसी की ख्वाहिश होगी कि यार काश मेरी इस कार के साथ एक पिक्चर हो जाए सोशल मीडिया पर अपलोड करने के लिए, और आपके तमाम फ्रेंड्स आपसे पूछें कि ये विंटेज कार आपको कहां से देखने को मिली है। कार को आप देख सकते हैं किस तरीके से इसके जो ऑनर हैं उन्होंने किस तरीके से इसे सहज कर रखा है, किस तरीके से हमारे बाप दादा पर दादा के ज़माने की ये कार है जिन्हें हम अक्सर मूवीज़ में देखते हैं, उस तरीके के वो मॉडल्स को आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं जिन्हें अक्सर हम मूवीज़ में देखते हैं, वो कार आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। नूर महल आपके लिए लेकर आया है विंटेज कार रैली, और देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर सभी कार्स का स्वागत किया जा रहा है। इस बार की विंटेज कार रैली इसलिए खास रहने वाली है क्योंकि पिछले साल की जो विंटेज कार रैली नूर महल आपके लिए लेकर आया था उसमें सिर्फ कार थी, लेकिन इस बार की विंटेज कार रैली में आपको कार के साथ साथ विंटेज बाइक्स भी देखने को मिलेंगी। तो एक से बढ़कर एक कार आपको आज की विंटेज कार रैली में नज़र आने वाली है। देख सकते हैं एक और कार यहाँ पर आई है, मर्सिडीज़ की ये कार है, ग्रीन कलर की, दिल्ली का नंबर है, और देख सकते हैं कितनी ही शानदार ये कार है और ऑनर्स द्वारा कितने तरीके से इसे सहज कर रखा हुआ है। हमारे बाप दादा परदादा के ज़माने की कार है अक्सर जिन्हें हम मूवीज़ में देखते हैं, और किस तरीके से सहज कर इन कार्स को रखा हुआ है। ऑनर से भी हम लोग बातचीत करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे आज विंटेज कार रैली बॉम्बे जैसे शहरों में देखने को मिलती है लेकिन आज करनाल में देखने को मिल रही है? सर, हम पिछले साल भी आए थे करनाल में, आपको दिखाई थी गाड़ियां और आज भी दिखा देंगे। सर, कितने साल पुरानी ये कार है? कार के बारे में कुछ बताइए। 64 मॉडल की है। 64? हाँ, 1964। मैं तो पैदा हो गया, तो आप नहीं हो गए। मैं तो नहीं हुई थी। तो किस तरीके से आपने इसको बड़े ही सहज कर रखा हुआ है? गाड़ी वैसे आज 8 साल बाद निकली है। 8 साल बाद आज निकाली गई है। निकली गई है, ये खड़ी हुई थी, खराब हो रही थी, अभी ठीक ठाक करा के जी। और आज 8 साल बाद ये इतनी बाहर निकली। बिल्कुल है। बिल्कुल। तो ऐसी कार्स को जिन्हें हम अक्सर मूवीज में देखते हैं, हमारे दादा परदादा के जमाने की कार्स, और ऐसी कार अगर करनाल के सड़कों पर चलने को देखने को मिलती है तो हर कोई चाहता है इन कार्स के साथ हमारी एक सेल्फी हो जाए, हम भी सोशल मीडिया पर एक सेल्फी अपलोड कर दे, और हमें ढेर सारे कॉमेंट्स आए कि आप ये कार कहाँ से लेकर आए हैं, कहाँ से आप ये पिक्चर क्लिक करवा कर आए हैं। पिछले साल की तरह इस साल भी नूर महल हेरिटेज मोटरिंग क्लब ऑफ इंडिया के साथ मिलकर विंटेज रैली, विंटेज कार रैली लेकर आया है, और ये जो है नूर महल द्वारा आयोजित किया गया है। पिछले साल की तरह इस साल भी यहाँ पर पुरानी से पुरानी कार्स के साथ तो आपको बाइक्स भी देखने को मिलेगी। हमारे दादा परदादा के ज़माने की बाइक्स जो हैं वो आज यहाँ पर देखने को मिलेगी, लेकिन इस बार की विंटेज कार रैली इसलिए बेहद खास रहने वाली है क्योंकि यहाँ पर कार्स के साथ बाइक्स भी देखने को मिलेगी, और देख सकते हैं कितनी अट्रैक्टिव कितनी पुरानी कार्स को आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। मर्सिडीज़ की ये कार है, ग्रीन कलर की, दिल्ली नंबर है, और देख सकते हैं इनके ओनर द्वारा जो बताया गया था कि ये 60 साल पुरानी कार है और आज इसको स्पेशल यहाँ पर डिस्प्ले करने के लिए 8 साल के बाद निकाला गया है। अगर बात की जाए यहाँ पर टू व्हीलर्स की तो आपको स्कूटर्स देखने को मिल जाएंगे, पुरानी से पुरानी रॉयल एनफील्ड की बाइक आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, वस्पा का स्कूटर आपको देखने को मिल रहा है, और नूर महल में तमाम लोगों की भीड़ जो है वो लगनी शुरू हो गई है। लोग यहाँ पर इन बाइक्स के साथ, कार्स के साथ फ़ोटोज़ आने के लिए आए हैं और व्लॉगिंग करने के लिए आए हैं। तो देख सकते हैं पिछले साल की तरह इस साल भी यहां पर ये विंटेज कार रैली निकाली गई है। रॉयल एनफील्ड के ऑनर यहां पर मौजूद है, सर से बातचीत करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, कितनी पुरानी ये बाइक है? मैम, ये 1954 मॉडल है। 1954 मॉडल जी, ऑल ओरिजिनल बाइक है ये जी, और शुरू से हमारे पास ही है जी। तो अभी मैं देख रही हूँ बहुत ही इसको सहज कर रखा हुआ है, बिल्कुल इसके केयर करके रखी हुई है। तो रोड पर दिल्ली से बाई रोड चला के लाए हैं हम लोग, अब 250 किलोमीटर बाया गुड़गावा सारा घूम के आए हैं जी। और बाई रोड कोई दिक्कत नहीं आई। तो सिर्फ आज ही से निकाला गया है, वैसे भी यूज करते हैं आप रोड पर निकालते हैं? निकालता रहता हूँ वैसे मैं। हाँ, है तो मुश्किल है,
और मेरे पास काफ़ी कलेक्शन है, मेरे पास 30-40 बाइक्स हैं रॉयल एनफील्ड 150 सीसी से लेकर 750 सीसी तक की मेरे पास बाइक्स है। बिल्कुल, तो देख सकते हैं 1954 की ये बाइक है, कितनी पुरानी ये बाइक है, लेकिन अभी भी देख सकते हैं इसकी चमक और इसकी शाइन को देख सकते हैं, अभी भी ओनर्स द्वारा इसे बरकरार करके रखा हुआ है। रॉयल एनफील्ड की एक और बाइक यहाँ पर नजर आ रही है, सर से बातचीत कर लेते हैं, सर क्या कहना चाहेंगे, कितनी पुरानी ये बाइक है? 1966 मॉडल है, ये तो मेरी बड़ी बहन है समझ लीजिए, मैं 1968 में पैदा हुआ था और तब से ये हम शुरू से ही हमारे पास है, मेरे फादर ने खरीदी थी, मेरे फादर ने 1966 में खरीदी थी, ब्रांड न्यू मनमोहन ऑटोमोबाइल से, 4800 की और 500 रुपये ब्लैक होती थी ज़माने में। और बेस्ट पार्ट ये कि मेरे फादर पायलट भी थे और प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी भी उन्होंने दी थी, तो ये बुलेट जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस दिल्ली से लेके कुफरी तक उनके साथ चली थी, जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर कितना ज़रूरी समझते हैं पुरानी चीज़ों को अब तक संजो कर रखना? देखिए, पुरानी चीज़ें हों, पुराने परिवार के लोग हों, दादा दादी नाना नानी हैं, इंसान ये भी एक इंसान है, और नई चीज़ तो कोई भी पैसा आता है खरीद सकता है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ केयर, चाहे बुजुर्गों की है, चाहे गाड़ी की है, चाहे आपका पेट भी है, सो दे आर लवेबल और यही आपकी अमीरी दिखाते हैं, रॉयल्टी ये दिखाते हैं। सर, विंटेज कार रैली या विंटेज बाइक्स जो है बॉम्बे और बेंगलुरु जैसे शहरों में देखने को मिलती है, लेकिन आज करनाल में ये रोड पर देखने को मिल रहे, कितना ज़्यादा एक्साइटमेंट आपको देखने को मिला? ऑनेस्टली बताऊँ, मैंने रात को मैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ देख करके सोता हूँ, और मैंने रात आपकी कवरेज देखी तो मुझे मालूम नहीं था कि कैसे पार्टिसिपेट करना है, आइए मैम आप भी आइए, तो पार्टिसिपेट करना चाहिए मेरी वाइफ, तो ये भी ध्यान रखती है मोटरसाइकिल का जैसे मेरा ध्यान रखती है, तो उस वक्त मुझे पता लगा कि करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ से कि ऐसा कुछ है, तो फिर मैंने कहा रजिस्ट्रेशन कुछ करवानी है क्या, तो ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ा इनिशिएटिव है आपका करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ का, जो कि मैसेज स्प्रेड की, और हमारे जैसे लोग जो कि शांति से बैठे हुए आर्टिस्ट हैं एक तरीके से, जो इसको समझा के अब बैठे हुए संभाल के, हमें मौका मिला। तो मैम से बातचीत करते हैं, मैम आप भी सर के साथ निकलती हैं राइड पर इस बाइक पर? बिल्कुल, कभी कभी ज़रूर मौका मिलता है और डेफिनेटली इतनी प्यारी विंटेज गाड़ी है तो मौका मिल जाए यही बहुत अच्छी बात है। तो देख सकते हैं पुरानी से पुरानी बाइक्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, 60 साल पुरानी बाइक्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी और 50 साल पुरानी आपको यहाँ पर कार देखने को मिलेगी, और अगर बात की जाए तो बॉम्बे दिल्ली शहरों में विंटेज कार रोड पर निकलती हुई नज़र आती है, लेकिन आज करनाल शहर में विंटेज कार और बाइक्स देखने को मिल रही है। नूर महल में विंटेज कार रैली निकाली गई है, देख सकते हैं रेड कारपेट पर लगी ये बेहतरीन से बेहतरीन कार कितनी आकर्षित लग रही हैं। रेड कार, रेड कारपेट पर रेड मरून कलर की कार आपको नजर आ रही है, पुराने जमाने की कार को देख सकते हैं कितनी ही इसको संजोकर रखा हुआ है, सहज किस तरीके से इसे रखा हुआ है, स्टैंडर्ड ये कार है और 1966 की ये कार है, देख सकते हैं कितनी बेहतरीन कार है और विदाउट रूफ है, देख सकते हैं अभी भी किस तरीके से इसे संजोकर रखा हुआ है। ऐसी कार्स को हम मूवीज़ में देखते हैं और पुरानी मूवीज़ में देखने को ऐसी कार्स मिलती थी, लेकिन आज आप अपनी आंखों से इस वीडियो के माध्यम से पुरानी बेहतरीन कार्स को देख सकते हैं, स्टीयरिंग देख सकते हैं और इसमें किस तरीके से अंदर के पार्ट्स लगे हुए हैं। रेड कारपेट पर ब्लू कलर का ये वस्पा मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहा है और 1968 का ये पुराना है और देख सकते हैं यहाँ पर ऑनर अपनी स्कूटर के साथ खड़े हैं, सर से बातचीत कर लेते हैं, सर कितना पुराना ये है, किस तरीके से आपने इसे संजोकर रखा है? 1968 है मॉडल है जी, तो बस मेरे को शौक है इसको रखने का, मैं डेली इसी पे राइड करता हूँ। अच्छा, इसी पर डेली राइड करते हैं, कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली से आए हैं बाई रोड। तो कैसा लग रहा है कि इतने समय से लेकर अभी तक ये आप इस पर ही राइड कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है जी, बहुत अच्छा लग रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पर रेड कारपेट पर लगा ये ब्लू कलर का स्कूटर कितना अट्रैक्टिव लग रहा है, 1968 मॉडल है ये, और यहाँ पर देखने को टू व्हीलर्स आपको देखने को मिलेंगे, कार्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे, बेहतरीन से बेहतरीन कलेक्शंस जो है कार्स की, टू व्हीलर्स की, वो आज यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो नूर महल के जीएम पुरी जी हमारे साथ है, सर से बातचीत कर लेते हैं, सर क्या कहना चाहेंगे, मेट्रो सिटीज़ में विंटेज कार रैली देखने को मिलती है लेकिन आज करनाल में देखने को मिल रही है? बिल्कुल सही कहा आपने कि ये सौभाग्य हर जगह को नहीं मिलता है, और ये हमारा सौभाग्य है कि इस बार हमें ये दूसरी बार चांस मिला है। ये हेरिटेज मोटर व्हीकल क्लब ऑफ इंडिया है जिसमें अप्रोक्सीमेटली 300 मेंबर्स हैं जिनको शौक है, जिनकी हॉबीज है कलेक्शंस करने की, और यहाँ पर 1832 की गाड़ी
उनके पास ऑलरेडी है, लेकिन यहाँ पर जो पहुँची है वो 1919 की गाड़ी है सबसे पहले, तो जिसको अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 100 ईयर्स हो चुके हैं। और पिछली बार हमने इसको होस्ट किया था, तो अक्सर ये चांस जो मिलता है राजस्थान को मिलता था, या यूपी के कुछ चंद शहरों को मिलता है, या गुजरात के कुछ शहरों को मिलता है, लेकिन पिछले साल की हॉस्पिटैलिटी देखने के बाद रादर इस बार भी क्लब ने हमें ही अप्रोच किया कि व्हाई नॉट यू कैन होस्ट दिस पार्ट। सिर्फ पिछले साल की जो विंटेज कार रैली थी उसमें तो सिर्फ कार ही नजर आई थी, लेकिन इस बार जो है बाइक्स भी देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, जिस तरह से दायरा बढ़ता जाता है, जैसे जैसे साल होता जाता है तो बहुत दायरा बढ़ता जाता है। जब लास्ट ईयर की जो हमारे पास लेटेस्ट जो गाड़ी आई थी वो 1932 की आई थी, और इस बार जो आई है 1919 की आई है। कोशिश रहेगी कि हम इससे भी पुरानी गाड़ियों को यहाँ पर लेके आएँ और अपने करनाल वासियों को और अपने एडजॉइनिंग सिटीज़ को रूबरू करा दें। सर दूसरी बार ऑर्गेनाइज किया गया है नूर महल द्वारा, ये तो अनुभव कैसा रहा है? बहुत अच्छा रहा है। इसमें मैं आपको चीज़ बताऊं कि इस गाड़ियों के बीच में हमारे टीरी गढ़वाल के मनु योगेंद्र शाह जो राजा हैं वो भी आए हुए हैं। पिछली बार हमारे यूपी के नवाब साहब आए हुए थे, तो इसमें रॉयल्स फैमिलीज को मिलने का भी सौभाग्य मिल जाता है और अच्छा लगता है कि जी बिल्कुल। तो रॉयल फैमिलीज को तो सौभाग्य मिलता ही है, साथ ही साथ यहाँ पर आपको रॉयल और क्लासिक कार्स भी नजर आ रही हैं। करनाल शहर के लिए एक बेहद ही ये खुशी की बात है कि नूर महल दूसरी बार विंटेज कार रैली लेकर आया है, और पिछले साल विंटेज कार रैली में सिर्फ कार ही देखने को मिली थी, लेकिन इस बार कार्स के साथ साथ रॉयल और क्लासिक टू व्हीलर बाइक्स भी देखने को मिली है। 1930 की बाइक आपको यहां पर देखने को मिलेगी, 1960s के कार्स के मॉडल आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे 5 सितारा होटल नूर महल से, मेरे साथ दीपाली धीमान, नमस्कार।